नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्ट्रा डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड के बारे में। यह एक लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है जो गल्फ कंट्रीज में अपना बिजनेस ऑपरेट करता है, साथ में यह इंडिया में भी एक इमर्जिंग प्लेयर है। यह दुनिया की कंपनियों में से बहुत कम कंपनियाँ हैं, उसमें से यह एक ऐसी कंपनी है जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी और क्वार्टरनरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी के नेटवर्क की बात करें तो इंडिया में इसके नेटवर्क में 27 हॉस्पिटल्स हैं, 120 क्लिनिक्स हैं, 371 फार्मासीज हैं, 14 लैब्स हैं और 100 से ज़्यादा पेशेंट एक्सपीरियंस सेंटर्स हैं। इसके ग्लोबल फुटप्रिंट की बात करें तो कंपनी की जो है 7 कंट्री में स्ट्रॉन्ग ग्लोबल नेटवर्क है कंपनी का, जिसमें से गल्फ कंट्रीज में कंपनी की बहुत अच्छी प्रेजेंस है, जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, बहरैन, जॉर्डन, यहाँ पे कंपनी की प्रेजेंस है। इंडिया में कंपनी मुख्य रूप से केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अपना बिजनेस चला रही है दोस्तों। रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें, हॉस्पिटल से कंपनी का 56% का रेवेन्यू आता है, क्लिनिक से 23% का, फार्मासी से 21% का रेवेन्यू आता है। जियोग्राफिकली रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो गल्फ कंट्री से कंपनी का 77% रेवेन्यू जनरेट होता है, इंडिया से 23% का। कंपनी के बिजनेस एक्सपेंड की बात करें तो कंपनी जो है 2022 में मई में कंपनी ने एराकोड में 140 बेड का एस्टर मदर हॉस्पिटल स्टार्ट किया है। इसके अलावा 2023 में कंपनी का सेकेंड फेज में 275 बेड का एस्टर वाइट फील्ड स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है एक्सपेक्टेड है ऑपरेशनलाइज्ड होने का, मतलब 2023 में उसके काम चालू होने का एक्सपेक्टेशन थी कंपनी को। इसके अलावा कंपनी साथ में जो है कासरगोड केरला में भी अपना जो हॉस्पिटल स्टार्ट करने वाली है उसके लिए कंपनी ने लीज एग्रीमेंट कर चुकी है, जिसके अंतर्गत कंपनी 200 बेड का टर्टियरी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वह बना के चालू करने वाली है, जो 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कंपनी जो है फेस वन में एस्टर त्रिवेंद्रम हॉस्पिटल भी स्टार्ट करने वाली है 350 बेड की फैसिलिटी के साथ, जो 2026 तक एक्सपेक्टेड है कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कंपनी जो है बेंगलुरु में भी केली हॉस्पिटल्स के नाम से 500 बेड का एस्टर केली हॉस्पिटल्स तैयार करने वाली है, जिसकी भी यह उम्मीद है कि 2026 तक वह कंप्लीट हो जाएगा। ग्लोबल एक्सपेंस में की बात करें तो गल्फ कंट्रीज में कंपनी जो है 101 बेड का एस्टर हॉस्पिटल कंपनी ने एस्टर शारजहाँ में स्टार्ट किया है अप्रैल 2022 में। इसके अलावा 2023 में कंपनी जो है 145 बेड का हॉस्पिटल मस्कट और ओमान में चालू करने वाली है। कतर में कंपनी की प्लानिंग है 60 बेड का हॉस्पिटल स्टार्ट करने की, जो अभी डिजाइनिंग स्टेज पे है। इसके अलावा कंपनी जो है कि कंपनी का प्लान है न्यू क्लिनिक्स ओपन करने का न्यू दुबई में, जिससे कंपनी का बिजनेस वहाँ पे और ज़्यादा फैल सके। इसके अलावा कंपनी की प्लानिंग है 1000 एडिशनल डोर यूएई में ओपन करने की, जिसके अंतर्गत कंपनी जो है उसके एस्टर ब्रांड के अंतर्गत मॉडर्न ट्रेड चैनल्स की स्थापना करने वाली है दोस्तों। इसके अलावा अन्य गल्फ कंट्रीज़ के अलावा अदर गल्फ कंट्रीज़ में भी कंपनी फ्रेंचाइजी नेटवर्क पर काम करने वाली है, जिसके लिए उसका एवेल्यूएशन चालू है। कंपनी ने जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके अंतर्गत कंपनी 500 करोड़ रुपए हॉस्पिटल्स, फार्मासीज और लेबोरेटरीज में इन्वेस्ट करेगी। वर्कफोर्स की बात करें तो मार्च 2022 में कंपनी के साथ 3200 से ज़्यादा डॉक्टर्स, 7400 से ज़्यादा नर्स, 11700 अदर वर्कर्स जो है वर्क कर रहे थे। इसके अलावा कंपनी ने 3300 से ज़्यादा व्यक्तियों को आउटसोर्स किया हुआ है। सब्सिडरी कंपनी की बात करें, हिंदुस्तान फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वह कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। कंपनी का जो है ग्रोथ प्लान एग्रेसिव ग्रोथ प्लान है, जिसके अंतर्गत कंपनी जो है 38 लैब एक्सपेंड करने वाली है। इसके अलावा 400 एक्सपीरियंस सेंटर इस्टेब्लिश करने वाली है 2023 के एंड होने तक के दोस्तों। इसके अलावा कंपनी जो है महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटका में भी अपना एस्टर फार्मेसी को प्लान किया है लॉन्च करने का, जिसके अंतर्गत कंपनी 175 फार्मेसीज जो है 2023 के अंतर्गत लॉन्च करने वाली थी दोस्तों।
आगे ये तो हो गई कंपनी की बेसिक जानकारी दोस्तों, अब हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं। तो हम जब कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं, 12,051 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस 241 रुपए है, 52 वीक का हाई 276 रुपए है और लो 163 रुपए है। स्टॉक का पी रेशो भी 60.54 का है, वहीं इंडस्ट्री का पी रेशो देखेंगे 30 का है। तो मतलब अभी जो कंपनी का पी रेशो है वो इंडस्ट्री पी रेशो से डबल चल रहा है दोस्तों। कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय मात्र 3.97% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 3.10% है। स्टॉक की बुक वैल्यू 61 रुपये है दोस्तों, ठीक है। अर्निंग पर शेयर देखें 3.69 रुपये है। कंपनी का जब हम चार्ट देखते हैं तो पिछले 3 साल का जब हम चार्ट देखते हैं तो कंपनी का जो शेयर से 94 रुपये से 240 रुपये तक गए जा चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है ना। कंपनी 2 से 3 गुना रिटर्न अपना दे चुकी है कंटिन्यूअसली। आप देखेंगे अभी ये पिछले 3 साल से हाइक पे ही है कंपनी का शेयर। पिछले 5 साल का हम रिजल्ट देखते हैं, 2018 में ही कंपनी जो लिस्टेड हुई है उसमें सबसे लो जो प्राइस गया है 90 रुपये पे गया है दोस्तों, 19-20 के बीच में। उसके अलावा कभी ये डाउन नहीं गया है इतना। कंपनी के आप क्वार्टर्स देखेंगे कंटिन्यूअसली, कंपनी के जो क्वार्टर हैं आप देखेंगे, जून 22 में 328 करोड़ रुपए की सेल्स थी, सितंबर 22 में 378 करोड़ की थी सेल्स थी, और दिसंबर 22 में 399 करोड़ की सेल्स थी। वहीं नेट प्रॉफिट जो है 30 करोड़, 57 करोड़, 35 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम देखेंगे तो 21 में कंपनी की 447 करोड़ रुपए की सेल्स थी, मार्च 22 में 1116 करोड़ रुपए की, और पिछले 12 महीनों में 1395 करोड़ रुपए की। वहीं प्रॉफिट जो है देखेंगे, मार्च 22 में कंपनी को 90 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, पिछले 12 महीने में वो ही बढ़ के 2 गुना हो गया है, 184 करोड़ रुपए हो गया है दोस्तों। सेल्स ग्रोथ देखें, पिछले 12 महीने में 32% सेल्स ग्रो है कंपनी की, प्रॉफिट 1310% ग्रो हुआ है, CAGR 24% ग्रो हुआ है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 3% है लास्ट 12 महीनों में दोस्तों। बैलेंस शीट की बात करें, कंपनी पे 2545 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं और मात्र 544 करोड़ रुपए की जो है बोरोइंग है। साथ में आप देखेंगे कंपनी पे 992 करोड़ रुपए की फिक्स असेट्स हैं, वन के वर्क इन प्रोग्रेस में 52 करोड़ रुपए हैं, इन्वेस्टमेंट हैं कंपनी के 2166 रुपए के। तो फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से देखें तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो 37.88% होल्डिंग्स जो है प्रमोटर्स की है, और आप एकदम से देखेंगे सेप्टेम्बर 22 में जहाँ 11.77% होल्डिंग FII की थी, वहीं दिसंबर 22 में बढ़ के सीधे 42% के लगभग हो गई है, 42.5%। मतलब आप देखेंगे 31% के समथिंग जो है FII ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है कंपनी की। अब देखें हम प्रॉफिट की, तो कंपनी ने जो है पिछले 3 सालों में 159% का रिटर्न दिया है दोस्तों, 159% का रिटर्न दिया है कंपनी ने, ठीक है। तो ये दोस्तों कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है बहुत स्ट्रांग है। कंपनी का बिजनेस भी आगने वाले फ्यूचर में, कंपनी के कई प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं, कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोवाइड कर सकती है कंपनी की। आप देखेंगे सेल्स ग्रोथ भी 39.7% ग्रो हुई है पिछले 10 सालों में, तो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने की संभावना है इस कंपनी में, ठीक है दोस्तों। तो दी गई जानकारी उपयोगी हो, महत्वपूर्ण हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।